शान में जो गुस्ताखी करा है, जो आज तमाम लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पे देख रहे होंगे, हर दिन आए दिन जो है ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना शान में ये लोग गुस्ताखी कर रहे हैं। आज ये बीजेपी ये जो है ना ऐसे स्वामियों को उठाकर मुसलमानों के जो है ना मजहब मुसलमान मजहब को जो है ना हमारे जो है ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हमारे नबियों की शान में ये गुस्ताखी कराकर अपने जो है ना हिंदुस्तान पे हुकूमत चलाने जा रहे हैं। उनकी हुकूमत से हमारा कोई मतलब नहीं है। जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान में जब गुस्ताखी होती है तो हमको हम मुसलमानों को आज जो बयान दिया है खून खोल रहा है हमारा उस इस बात पर आज तमाम मुसलमानों को ये सोचना चाहिए। आज मेरे को मैडम कलीस बातें माने फोन कर कर कहा नहीं आज एहतजाज होना आज उस जलील के ऊपर केस होना एफआईआर होना तो आज तमाम जो है ना हमारे पार्टी के लोग और तमाम हमारे लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हमारी जो है ना शान जो है उनको चाहने वालों ने मुसलमानों ने एक आवाज पर उठ कर आकर तैरा है। मैं आज तमाम मेरे भाइयों से कहना चाहता हूँ आज तो एफआईआर उसके भक्त भी नहीं जोड़ेंगे मैं आज फोन करके जाएंगे हम यहाँ से और यहाँ से फर होने के बाद 8 दिन में अगर वो अरेस्ट नहीं होता है तो आने वाले जुम्मा तक पूरा मुसलमान पूरा हिंदू सेकुलर जो ना पूरे जमा होकर यहाँ पे एक बड़ा एहतजाज करना है। डीसी ऑफिस को जाना है और तमाम लोग तमाम मुसलमान भाई और तमाम मेरे सेकुलर हिंदू भाई अपने कारोबार बंद करके एक डीसी को एक मेमोरेंडम देंगे। जब तक वो अरेस्ट नहीं होगा जब तक एक देश में कानून नहीं बनेगा जब तक ये जो है गुस्ताखी करना नहीं छोड़ेंगे हम यह एहतजाज आज के बाद हर रोज जाना करते रहेंगे। आज यहाँ से गुलमर्ग से एक मैसेज जाना है ये जाना है कि ऐसे गुस्ताखे रसूल के से हिंदुस्तान में जो ना एक कानून बनना वो कानून बनना है कि एक जो ना किसी भी मजहब के बारे में चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी धर्म का हो अगर किसी के धर्म के खिलाफ बोलता है किसी धर्म गुरु के खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ ऐसा कानून बनना जो उसको जो है ना अरेस्ट भी करना उसको 10-20 साल की सजा भी होना ऐसा जो है ना हिंदुस्तान में कानून बनना चाहिए। नारे तकबीर ये नरसिंह आनंद ऐसा बेवकूफ ऐसा जाहिल ऐसी नाजायज औलाद है ये ऐसी हराम की औलाद है ये जब भी जब बोलता है तो अपने राम पे बोलता है अपने हिंदू भाइयों को गाला देता है तो कभी मुसलमानों के जो ना मजहब के जो ना धर्म गुरुओं को जो ना जो जिलवा बोलता है ये इसको खुद को नहीं मालूम ये कौन सा दरिंदा है ये कौन सा इंसान है ये कहाँ से पैदा हुआ उसकी नस्ल का उसको पता नहीं है। आज वो जो ना हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी गया है आज तक के कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करा जो ये लफ्ज इस्तेमाल करा तुमको मुसलमान होने का तो मैं जो है ना तो वास्ता देता हूँ आने वाले जुम्मा को एक ऐसा ऐसा जवाब करेंगे ऐसा अपने कारोबार बंद करेंगे एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में
जो गुस्ताखी करा उसके लिए हम लोगों को एक पूरा गुलबर्ग बंद करा कर उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, उसको अरेस्ट कर रहे हैं। अगर वो 8 दिन में अरेस्ट नहीं होता